वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। हालात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ लोग उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लेते हैं, कुछ बहुत सीखते हैं, कुछ उससे बहुत ज्यादा नाला कह लें, नाराज हो जाते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगी, डॉक्टर ताहिरा रुबाब, और इसके साथ साथ तंजीला इमरान हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। दोनों को वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो तंजीला आपकी जानिब आएंगे, हम बात करते हैं अच्छे और बुरे हालात। आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आप कभी अच्छा सिखा देते हैं, कभी बुरे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, देखिए ऐसा है कि किसी भी चीज़ में अगर आप बार बार फेल होते हैं, बार बार आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में नाकाम हो रहा हूँ या ये काम मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अगर आप 100 times भी उसमें नाकाम होते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपको 100 experience हुए हैं कि ये काम इस तरीके से नहीं हो रहा, इसका यकीनन कोई एक और तरीका भी, 101 तरीके हैं इसके, यानी कि एक तरीका अभी भी ऐसा रहता है जिससे मुझे इस चीज़ को डिस्कवर करना है, इस चीज़ को, इसके ऊपर काबू पाना है। तो इसलिए कभी भी कोई नामसाइद हालात हों या कोई भी ऐसे हालत में हों, आपको लगे कि ये काम नहीं हो पा रहा, तो थोड़ी सी मैं समझती हूँ कि हिम्मत से और अपने अपनी करेज को, अपनी एनर्जी को दोबारा से वापस लाएं और फिर से जुड़ जाएं, और यकीन करें कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इसकी वाजिया मिसाल आपने माजी में भी बहुत सारी जंगों में देखी होंगी। आपने एक बादशाह का किस्सा बहुत सुना होगा कि उसने एक मामूली सी चींटी से सीखा कि वो बार बार दीवार पे चढ़ती थी, गिरती थी, चढ़ती थी, गिरती थी, और इसी तरह वो भी अपनी जंग हार रहा था, बार बार हार रहा था, और फिर उसने उस चींटी को देख के कि कैसे इसने इस चीज़ के ऊपर काबू पाया, कैसे इसने इसको ओवरकम किया, और उसने बादशाह ने दोबारा से अपनी फौज को इकट्ठा किया और फिर से हमला किया और फतेहयाब हुआ। इसी बिल्कुल ताज़ा मिसाल आज के दौर में हमारे वज़ीर आज़म की है, इमरान खान, 22 साल 23 साल जद्दोजहद के, बार बार नाकामी, बार बार नाकामी, और फिर उठ के खड़ा होना और फिर दोबारा उसी हिम्मत के साथ सबको बूस्ट करना, उनको करेज देना कि उठें, चलें, करें, काम होके रहेगा, और फिर वो चीज जो कहा गया था कि एक नामुमकिन है जो कभी भी नहीं हो पाएगी वो करके दिखाया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर ताहिरा रुबाब, जैसे तंजीला कह रही हैं, हालात अच्छे बुरे दोनों तरह के होते हैं, वही बात कि कुछ अच्छा सीखते हैं, कुछ बहुत उससे डिसअपॉइंट भी हो जाता है। मेरे ख्याल में उर्मिला, जो ये एक ह्यूमन रिस्पॉन्स होता है एक्सपीरियंसेस या जो जिंदगी के इंसिडेंट्स होते हैं, वो सबके अगर आप सीखना चाहें तो उनसे अच्छी चीज़ें ही सीखी जा सकती हैं, यानी आपका लर्निंग ही उससे बढ़ा होता है। ये नहीं होता कि आप कोई बुरी चीज़ आपके सामने आती है और आपको लगता है कि जी अब तो सब कुछ बुरा हो गया, जबकि जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं आपकी लाइफ में, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया के, उन डिफ़िकल्टीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर लेते हैं। उनका ख्याल है कि ये जो मुश्किल अभी आई है, ये हमारे दर्जात को, हमारी एबिलिटीज़ को इस लेवल से अगले लेवल तक लेके जाने के लिए आई है। अक्सर जो लोग बुरे, जिनको लगता है कि मसाइल जो हैं वो, या ज़िंदगी बहुत बुरी है, वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी को बड़ा नेगेटिवली ट्रांसलेट करते हैं असल में, और उनके लिए मसाइल जो हैं मुसीबत हैं, वो ब्लेसिंग्स नहीं हैं। जबकि हर मुश्किल से लड़के आप जो है जब आगे जाते हो तो आपके स्किल्स इंप्रूव करते हैं, आपकी लाइफ इंप्रूव करती है, आपकी लर्निंग इंप्रूव करती है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करती है। सो आपको अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि क्या एक्चुअली जो मैं जिस चीज़ को मुसीबत समझ रहा हूँ, जब आप उस काम को कर लेते हैं तो फिर आपको वही कुछ नहीं लगता। जैसे मुझे याद है जब मैट्रिक में होते थे तो मैट्रिक एक हवा लगता था, अल्लाह, उसके बाद एग्जैक्टली बिल्कुल उसके बाद ग्रेजुएशन एक हवा लगता था, इंटरमीडिएट नहीं लगता था, और हमें सब ये कहते थे बस ये 2 साल है पढ़ लो, आगे आसानी है, वो कभी आसानी आई नहीं। और अब आप देखो कि आपको आपको आप दूसरों को सिखा रहे थे, नहीं नहीं कुछ नहीं होता। सो दिस इज हाउ लाइफ इज एक्चुअली, कि जब भी आप किसी मुश्किल हालात और टाइम पे होते हैं, वो उस वक्त टेम्परेरली आपको लग रहा होता है कि बड़ा मुश्किल है, मगर जब आप उसको थोड़ा सा आराम से बैठ के सोचें तो आपको 100 solutions जैसे मैडम ने कहा कि मिल जाते हैं उस चीज के, कि आपने करना कैसे है। और सिर्फ जिंदगी को देखने का नजरिया अगर आपका बदल जाए तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी खूबसूरत चीजों से बन जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तंजीला, हमारे जो अच्छे या बुरे हालात होते हैं उसमें हमें अपने इर्द गिर्द के लोग भी बड़े मैटर करते हैं, जो आपके साथ अच्छे हालात में है, जो आपके साथ बुरे हालात में, वो दोनों याद रहते हैं आपको। तो लोगों का इम्पैक्ट, आपका जो सोशल सर्कल है, आपकी फैमिली, उनकी सपोर्ट इन अच्छे बुरे हालात। मैं आपको बताऊँ, फैमिली की जो सपोर्ट है ना, फैमिली तो चले आजकल मैं समझती हूँ ज्यादातर जो फैमिली हो गई ना, वो हाथ में है, मोबाइल जो है आपका, वो आपकी ज्यादा फैमिली। आजकल हमारे बच्चे मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीच सुनते हैं और फौरी तौर पर उनका रिएक्शन आ जाता है। अगर उन्होंने आपको हेल्थ टिप्स दे दिए तो वो उसी वक्त आप देखेंगे कि वो उन्होंने वेट उठाना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने कह दिया आपको कि मॉर्निंग वॉक करनी है, तो वो माँ ने चाहे रोज कह रही उठ जाओ तो वो नहीं उठेंगे, वो मोटिवेशनल स्पीकर के वो क्लिप देख के वो फौरन उठ के खड़े हो जाएंगे। हाँ, वो उसमें कॉन्सिस्टेंसी नहीं होगी, वो 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद वो फिर वापस अपनी उसी रूटीन पे आ जाएंगे।
तो जो आपके आसपास के लोग हैं उनकी बातें भी सुने, मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी सुने, कोई आपने बैलेंस रखें, अपने आप को खुद जज करें कि अच्छा अगर उसने लिखा है कि आपने सिर्फ प्रोटीन डाइट लेनी है तो आप प्रोटीन पे ही शुरू हो गए, आप ये देखें कि आपकी सेहत, आपकी फिजीक, आपका मतलब जिस्म का मतलब बॉडी आपकी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। इसी तरह अगर कोई आपको कह रहा है कि हाइकिंग जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप डिप्रेशन में आ गए या ये काम आप नहीं कर पा रहे, आप अपनी तवज्जो स्पोर्ट्स की तरफ कर लें और आपकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स कर सकें, तो बराए मेहरबानी अपने आप को देख के चलें क्या आपका टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको बार बार एक बात बताऊं, ये एक हिंदी फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग था कि ये बेसिकली एक इस्लामी स्कॉलर का जुमला था जो उस फिल्म में लिया गया कि जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो कायनात की सारी चीज़ें आपको उसको हासिल करने में, आपकी मदद करने में लग जाती हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है, ये कुदरती चीज़ है। जब आप खुद ब खुद किसी चीज़ की तरफ जाएंगे तो वो उसका जो जितना एक मकनातीसी चीज़ें हैं वो जो उसका मैग्नेटिज्म है वो आपको ऑटोमेटिकली उसकी तरफ ले जाएगा, तो कभी भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। इसमें आपकी दुआएं, इसमें आपकी मतलब स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं, आपकी माँ की दुआएं, आपकी अपनी काविश, आपकी मेहनत, मैं समझती हूँ हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। अगर आप ट्रस्ट में दुआएं वो असर दिखाती है कभी कभी कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। और ये तंजीला मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने, मुझे पता है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में थी और मुझे वहां से निकल गई, मैंने मतलब एक होता है ना 0.000% चांस भी आपको नजर आ रहा हो, लेकिन कितनी आप अल्लाह ताला मेहरबान होता है, सबके साथ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अर्मिला आपने सुना होगा हजरत अली का कॉल है कि मैंने अपने इरादों की शिकस्त से रब को पहचाना है, तो फिर आप किस तरह नहीं यकीन करते कि एक ताकत एग्जिस्ट करती है जिसने आपको यहाँ पे ला के खड़ा किया। मैं सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी, सबके लिए एक बात है, मतलब कोई इशू नहीं है कि आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं, जिस टारगेट को, हो सकता है उसका टाइम अभी ना आया, अभी ना आया। बिल्कुल, हम एक बड़ा मजेदार लोकली हम एक वो फास्ट फूड खाते हैं, उसके ऑनर का जहां तक मैंने सुना है 80 years के बाद उसको मतलब वो फ्राइड चिकन सब लोग खाते हैं बड़े शौक से। आफ्टर 80 years उस आदमी ने तरक्की ली, और वो कब जिस वक्त वो सुसाइड करने जा रहा था, उस दिन वो सुसाइड करने जा रहा था, और उसने वो लास्ट डिश पका के अपने नेबर्स में बांटी कि मैं इन सबको ये गिफ्ट करके और जा रहा हूँ। और उसके मरने से पहले पहले, उसके जाने से पहले लोगों ने उसको वापस बुलाया कि हम इसकी रेसिपी दे के जाओ कि ये क्या है। ठीक हो गया डॉक्टर साहिरा, अभी हम आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैडम कह रही है ना कि कुरान और हमें जैसे हमारे बहुत सुनहरी असूल हैं हमारी जिंदगी के और उनको फॉलो करने की जरूरत है, तो मैं ये सिर्फ कोट करना चाह रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप कुरान को पढ़े, तर्जुमे से पढ़े, तो आपको बहुत क्लियरली कुरानी आयात मिलती है। तफसीर की बात नहीं कर रही, आयात है कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ये आयत है, ये तर्जमा या वो चीजें नहीं है। सो कोशिश मेरे ख्याल में जैसे फैमिली का रोल बहुत अहम होता है क्योंकि वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, आपके दोस्त भी उतने ही अहम होते हैं, मगर आपको जिंदगी में अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि नेगेटिव लोग आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है ना, ये इतना मुश्किल नहीं है। हमें ये तो नहीं हम कर सकते कि हम बहुत ज्यादा अपने इर्द गिर्द, इवन घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज ट्रांसफर कर रहे होते हैं, मगर आपने अपने ऊपर उन एनर्जीज को देखना होता है कि कौन सी एनर्जी मैंने लेनी है और कौन सी से मैंने बस सुनना और निकाल देना, दैट इज इट। सो आप उसको अपने ऊपर असर करने ना दें। हम अक्सर देखते हैं कि इंसान जो है वो प्रोन है नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा। जब कोई बंदा घर में या बाहर दोस्तों में कोई नेगेटिव, कोई आपको ये कह देना अच्छा तुम मोटा लग रही हो, आज से पहले तक आप बिल्कुल ठीक थी, और अगर आज ही किसी ने कह दिया तो आप उस सारे दिन में उस बंदे की बात सुनते रहेंगे और आपका दिमाग में टिक टिक होती रहती है, क्योंकि आपका दिमाग एक मैग्नेटिक चीज की तरह काम करता है, इसमें जो भी चीज आपकी तरफ होती है वो अट्रैक्ट होती है और आपके दिमाग में रुकती है और आप उसको सुनते हैं बार बार। सो कोशिश ये करें कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि पिछले बहुत सारे दिन आपके लिए ये सबूत साबित करने के लिए काफी कि आप रोजाना अच्छे लगते थे, आज एक दिन हो सकता है आपने मेरी तरह खुला ड्रेस पहना हो तो आप मोटे लग रहे हो, इसलिए अदरवाइज आप मोटे नहीं हुए। नेगेटिव लोगों से बचें, अपने दिमाग को जो पॉजिटिवली ट्रेन करें, मैं हर वक्त पॉजिटिविटी, मुश्किल हालात से मैं पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करें, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल। अच्छा, उसके लिए आपको खुद भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और पॉजिटिविटी आज के दौर में ढूंढना बड़ा मुश्किल है, लेकिन
कहीं ना कहीं इसके लिए आपको खुद ही एफर्ट करनी है। बिल्कुल ठीक हो गया। आज के टॉपिक के हवाले से तंजीरा को मैसेज जवाब देना चाहें। देखिए मैं फिर से यही बात रिपीट करूंगी, आज सुबह अगर किसी भी शख्स की, खातून मर्द औरत की, थोड़ी सी भी मायूस कौन है, तो एक दफा ये सोच लीजिए कि आप 10 तरीके से अगर एक काम कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा, तो यकीनन इसका 11वां तरीका है जो आपको नहीं अभी मिल रहा, और वो थोड़े दिनों में जरा सा सुकून से बैठें, लंबा सा सांस लें और अल्लाह को याद करें, जानमाज बिछाएं, दो नफल पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसका जो 11वां या 12वां जौन सा भी इसका एक्चुअल तरीका है ये मेरे इलम में दे दे, और आप देखें अल्लाह आपके लिए ऐसे गैब से दरवाजे खोलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि जैसे उर्मिला अमेरिका कि मेरा काम ऐसे हुआ था दुआ से, तो ऐसे ही आपका वो काम हो जाएगा और बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है, एनर्जी से भरपूर दिन शुरू करें और इंशाल्लाह आपका काम होगा। काम जबरदस्त संजीदा। तो अच्छा साहिरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद होना चाहिए, क्योंकि फिर से कुरान की एक वर्स के बारे में ही बात करने लगी हूँ कि अल्लाह ताला इंसानों पे उनकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ कभी नहीं डालता। तो आपका क्रिएटर जो है उसको 100% यकीन है कि आप इस मुश्किल में से बाहर आ जाते हैं, या आपका अपना यकीन है जो आपको डगमगाने पर मजबूर कर देता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, ऐसे नहीं हो सकता। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि आपका क्रिएटर 100% श्योर है कि आप इससे बाहर आ जाएंगे, और जो आपके नसीब में है डॉक्टर ताहिरा वो तो आपको मिलकर ही रहना है, उसके लिए आपने कोशिश करनी है, दुआ करनी है, आप एक कह लें डेडिकेटेड रहना है अपने पर्पस के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू वेरी मच तंजीला। जनाब ये तो अभी हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने पॉजिटिव रहना है, चाहे आपके हालात जैसे भी हैं, हर चीज में से पॉजिटिविटी ढूंढना है। बेशक ये मैं खुद कह रही हूँ, जो ये मैं अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ। जरा आप इतनी खूबसूरत में बातें की हमने इतने मेहमानों के साथ, जरा अब हम अपने टैलेंट की जाने बढ़ते हैं। हमारे पास अबू बकर है जो कि फोटोग्राफर है। कैसे अबू बकर आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अबू बकर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कब से फोटोग्राफी कर रहे हैं? मैं स्कूल लाइफ में था जब मैंने स्कूल का एक स्पेशल इवेंट कवर किया था, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो तब से ही बस मैं तब से कर रहा हूँ। अच्छा बकर, सब जो एक फोटो होता है, जॉनरा होता है फोटोग्राफी का, क्या है? ये है कि फोटोग्राफी इस फील्ड में आपको सबसे पहले तो आप में मतलब कि टैलेंट होना चाहिए इस चीज का कि आप किसी भी जगह पर, मतलब आपको किसी चीज़ की, इस चीज़ की टेंशन ना हो कि आप उसकी कवरेज नहीं कर सकते। तो अगर आप में ये चीज़ है कि आप हर जगह पर उसकी कवरेज कर सकते हैं, तो वो मतलब फिर आपको मुश्किल नहीं है। अच्छा वक्त मैं चाहूँगी आप ज़रा खड़े हुए और अपनी इस फोटोग्राफी जो आपकी पिक्चर्स है इसके बारे में कुछ बताएं कि आपने कब कब क्लिक की है। अच्छा इस तरफ आ जाएंगे आप अबू बकर, तो आप कैमरे को फेस कर लेंगे। जी हाँ जी बताएं। ये बादशाह मस्जिद है जो कि मैंने खुद क्लिक किया है और नेचुरल क्लिक्स में है, और इस वजह से, और ये साथ नीचे ये सन का, ये बहुत प्यारा शॉट है। ये कहाँ पे लिया आपने? ये मैंने अपने स्टूडियो के करीब ही वहाँ अच्छा, पर, वहाँ पर नाइट क्लिक किया तकरीबन। सही। और ये आपने मीनारे पाकिस्तान को कैप्चर किया, तो ट्रेवल किया है कहीं विद इन पाकिस्तान? ट्रैवल फोटोग्राफी में यही है कि मैंने अपना बस वेडिंग शूट और फैशन शो में अच्छा किया है फोटोग्राफी। हाँ जी, और लाहौर से बाहर अभी नहीं, मतलब अच्छा, कोई प्रोफेशनल नहीं किया। कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहो? छोटा सा मैसेज ये है कि दिस इज योर कैमरा। जी छोटा सा मैसेज मेरा ये है कि अल्लाह ताला ने हर शख्स में किसी ना किसी तरह का टैलेंट दिया होता है, तो जो टैलेंट हो इंसान में उसे चाहिए कि वो उसी को लेके आगे बढ़े अपने शौक को। लवली। तो वो जरूर आप उसमें कामयाब होते हैं। थैंक यू वेरी मच अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जनाब इतनी जबरदस्त मुलाकात हमने आपको कराई, इतने जबरदस्त लोगों से मुलाकात कराई, सुबह सुबह मंडे वाले दिन आपको इतनी मोटिवेशनल बातें बता दी है, तो मेरे ख्याल से आपके हफ्ते और दिन का आगाज बहुत अच्छा होने वाला है। अभी हम आपसे इजाजत देंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी कल। हमें फेसबुक पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जागो लाहौर के नाम से पेज है, और इनकेस आज का शो अगर आपने मोटिवेशनल किस्म का शो आपने मिस किया, तो शाम 5 बजे और रात 1 बजे रिपीट भी होने वाला है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।